वैक्सीन को लेकर फैले अफवाहों को दूर करने के उद्देश्य से मुंबई निवासी अभिजीत सोम बाइक से देश भ्रमण पर निकल लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई के रहने वाले अभिजीत सोम ने बाइक राजस्थान से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर पहुंचते ही अभिजीत सोम ने डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार से मुलाकात की तथा उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि वह कोविड-19 के बचाव के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2000 किलोमीटर के बीच में जितने भी गांव और शहर पड़े हैं उन लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता किया गया है तथा जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन लोगों में मास्क का वितरण करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी वह 2000 किलोमीटर बाइक से मणिपुर होते हुए म्यांमार के बॉर्डर तक जाएंगे और कोविड-19 तथा कोविड टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभिजीत सोम ने कहा, अभिजीत सोम 52 ईयर्स ओल्ड, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं मुनाबाव बाड़मेर राजस्थान स्टेट का मुनाबाव से आया हुआ हूँ। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है जो पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ से लेके अभी हम 2000 किलोमीटर गुजर चुके हैं। रास्ते में हम पलानपुर, उदयपुर, कोटा, कानपुर, अयोध्या, कलथा, आज यहाँ आया हूँ तो 2000 किलोमीटर मेरा पूरी हो गई। अभी आगे जाके मुझे और 2000 किलोमीटर करना है। सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, सिलचर, इम्फॉल एंड मोरे, यही मेरा 4 और 5 दिन का सफ़र है। गोरखपुर में हमने जोगेंद्र पुनिया साहब से मिले हैं और डीआईजी साहब से मिले हैं, उनसे हमारा हमसे और थोड़ा वो मिले हैं, इंस्पिरेशन मिले हैं, हम उनको मिल के अभी जा रहे हैं आगे की तरफ। अब किस तरह का जागरूकता फैला रहा है लोगों को? हम एक तो है, हम भारत में जो लोग हैं ना, एक प्रदेश से और दूसरे प्रदेश, स्पेशली जो उत्तर पूर्व भारत वाले को साथ जो एक्सचेंज होना है उसी को फैला रहे हैं। और कोविड-19 वैक्सीनेशन को सब इसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको टीका दिलवा देना चाहिए सबको, वो फैला रहे हैं। और आगे अभी कहाँ तक जाएंगे आप? आगे मैं मोरे तक जाऊंगा, मोरे मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, म्यांमार बॉर्डर तक जाऊंगा।